नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए विज्ञान के टॉप 100 क्वेश्चन से लेकर आए हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। अगर आप लोग किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करें जहां पर विज्ञान एग्जाम में आती, कोई भी एग्जाम हो, रेलवे ग्रुप डी, NTPC, SSCGL, CPO, MTS, CSLD, RDO, MTS, दिल्ली पुलिस, स्टेट पुलिस, कलर्क, पटवारी, ग्राम सचिव, यूपी पुलिस, यूपी लेखपाल, राजस्थान पुलिस, पटवार, CTET, स्टेट, RTET, MPTET या कोई फोर्स का एग्जाम है या फिर बैंक का एग्जाम है, जिस एग्जाम में विज्ञान आती है, सभी के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही फायदेमंद रहने वाले हैं, बहुत ही यूजफुल रहने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना और आपसे रिक्वेस्ट है प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जोड़े ताकि जो भी आपके डाउट है साथ में ही क्लियर होते चले जाएं। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें। चलेगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज बारंबारता की ध्वनि निम्नलिखित में से क्या है? बहुत बार एग्जाम में आता है, तो फ्रेंड्स याद रखना ऑडिबल क्या है, ध्वनि है, श्रव्य ध्वनि है, ठीक है ना, सुनने योग्य, तो बी हो जाएगा राइट आंसर, श्रव्य। नेक्स्ट है, उबलते जल द्वारा जलने की तुलना में भाप द्वारा जलना अधिक कष्टदायक होता है, गंभीर होता है, क्योंकि फ्रेंड्स क्या होता है, भाप में गुप्त ऊष्मा होती है, क्या होता है, गुप्त ऊष्मा होती है, यानी ए रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, अच्छे से आप लोग फ्रेंड्स याद रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, अफ्रीका की काली त्वचा वाले व्यक्ति ब्रिटेन के सफेद त्वचा वाले व्यक्ति की तुलना में कैसा महसूस करते हैं, तो अधिक गर्मी महसूस करते हैं, यानी ए रहेगा राइट आंसर, अधिक गर्मी महसूस करते हैं। नेक्स्ट है, सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है, कौन सा कर देता है, तो फ्रेंड्स अवरक्त किरण कर देती है, ये याद रखना, सोलर कुकर को गर्म, बी रहेगा राइट आंसर, अवरक्त किरण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित ताप मापियों में से किसको पायरोमीटर कहा जाता है, किसे कहा जाता है पायरोमीटर, तो फ्रेंड्स विकिरण ताप मापी को कहा जाता है पायरोमीटर, यानी बी रहेगा राइट आंसर, विकिरण ताप मापी, बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, साबुन कपड़ों की बेहतर सफाई में क्यों सहायक होता है, क्योंकि फ्रेंड्स यह घोल के पृष्ठीय तनाव को कम करता है, ठीक है, तो ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, बर्नौली का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके संरक्षण का प्रकथन है, जी हाँ फ्रेंड्स, स्पीड टेस्ट है, कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन, रिवीजन टेस्ट, तो फ्रेंड्स याद रखना, बर्नौली का सिद्धांत किसके संरक्षण का प्रकथन है, ऊर्जा का है, तो बी रहेगा राइट आंसर, ऊर्जा। नेक्स्ट है, बल की परिभाषा आती है न्यूटन के कौन से नियम से आती है, बल की परिभाषा गति के पहले नियम से आती है, न्यूटन की गति के पहले नियम से आती है बल की परिभाषा, यानी ए होगा राइट आंसर, गति के पहले नियम से। नेक्स्ट है, हर्ट्ज क्या मापने की इकाई है, क्या मापने की इकाई है, तरंगों की आवृत्ति को मापने की इकाई है हर्ट्ज, यानी डी रहेगा राइट आंसर, तरंगों की आवृत्ति, डी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई क्या है, जी हाँ फ्रेंड्स क्या है, लक्स है, भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई, तो सी होगा राइट आंसर, लक्स, सी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, SI सिस्टम में तापमान की इकाई क्या है, क्या है, तो फ्रेंड्स केल्विन है, याद रखना SI सिस्टम में तापमान की इकाई, तो ए रहेगा राइट आंसर, केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, किलोवाट घंटा किसकी इकाई है, किलोवाट घंटा किसकी इकाई है, तो फ्रेंड्स विद्युत ऊर्जा की इकाई है किलोवाट घंटा, तो सी होगा राइट आंसर, विद्युत ऊर्जा की, सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, एक किलोवाट घंटा का मान होता है, कितना होता है जी, 3.6 × 10^6 जूल होता है, यानी ए रहेगा राइट आंसर, 3.6 × 10^6 जूल, ए रहेगा फ्रेंड्स राइट आंसर। नेक्स्ट है, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो फ्रेंड्स सौर सेल है, याद रखना, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत, यानी बी होगा राइट आंसर, सौर सेल, बी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, अभ्रक है, क्या है अभ्रक, अभ्रक ऊष्मा का चालक होता है और विद्युत का कुचालक होता है, तो डी हो जाएगा राइट आंसर, ऊष्मा का चालक और विद्युत का कुचालक। नेक्स्ट है, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, किसके लिए किया गया था, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए किया गया था आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित, यानी ए रहेगा राइट आंसर, प्रकाश
विद्युत प्रभाव के लिए। ये रहेगा फ्रेंड साइड आंसर। नेक्स्ट है, सुपर कंडक्टर की चालकता कितनी होती है? जी हाँ, याद रखना फ्रेंड्स, असीमित होती है। कितनी होती है? असीमित होती है सुपर कंडक्टर की चालकता। तो ए रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, देखिए, झूठ का पता लगाने वाला यंत्र कौन सा है? जी हाँ फ्रेंड्स, झूठ का पता लगाने वाला यंत्र है पॉलीग्राफ। कौन है? पॉलीग्राफ है। तो सी होगा राइट आंसर, पॉलीग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक अशुशक्ति में होते हैं कितने वाट होते हैं? कोर्स पावर में, अशुशक्ति में, तो 740 वाट होते हैं। तो डी रहेगा राइट आंसर, 740 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है? जी फ्रेंड्स, कौन? लेड क्या है? धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है। तो सी रहेगा राइट आंसर, लेड। नेक्स्ट है, कौन सा पदार्थ प्रकृति में तीन अवस्थाओं में पाया जाता है? कौन सा पदार्थ प्रकृति में तीन अवस्थाओं में पाया जाता है? तो फ्रेंड्स, H2O। जी फ्रेंड्स, कौन? H2O। याद रखना, ऑप्शन नंबर ए रहेगा राइट आंसर। पानी क्या है फ्रेंड्स? पानी तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है प्रकृति में, ठोस, द्रव और गैस में। ठीक है, ये रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अच्छे से फ्रेंड्स आप लोग याद रखना इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलेगा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि जंग रहित लोहा बनाने में, जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु है कौन सी है? तो बताएंगे फटाफट, कौन सी है? तो याद रखना, क्रोमियम है। तो सी होगा राइट आंसर, क्रोमियम। नेक्स्ट देखिए, चलिए, नील गाय निम्नलिखित में से किस कुल में आती है? नील गाय इनमें से किस कुल में आती है? तो फ्रेंड्स, हिरण के कुल में आती है नील गाय। तो डी रहेगा राइट आंसर, हिरण। डी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है? अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फ्रेंड्स सभी लोग फटाफट वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें। कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है? तो फ्रेंड्स, विटामिन डी बनता है, यानी ऑप्शन डी रहेगा राइट आंसर, विटामिन डी। नेक्स्ट है, नए चिपकने वाले खाने के बर्तनों में कौन सा लेप चढ़ा होता है? कौन सा लेप चढ़ा होता है? तो फ्रेंड्स, टेफलोन का लेप चढ़ा होता है। तो सी रहेगा राइट आंसर, टेफलोन। नेक्स्ट है, हीमोग्लोबिन क्या है? क्या है फ्रेंड्स हीमोग्लोबिन? हीमोग्लोबिन है एक प्रोटीन। क्या है फ्रेंड्स? एक प्रोटीन है हीमोग्लोबिन, यानी ए रहेगा राइट आंसर, प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती हैं? किस नाम से जानी जाती हैं? एरिथ्रोसाइट्स के नाम से जानी जाती हैं लाल रक्त कणिकाएं। तो ए रहेगा राइट आंसर, एरिथ्रोसाइट्स। ए होगा राइट आंसर, याद रखना आप लोग अच्छे से। नेक्स्ट है, मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? कहाँ सर्वाधिक होता है? छोटी आंत में सर्वाधिक होता है। किसमें? छोटी आंत में। तो सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, छोटी आंत, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट है, पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थों का कौन सा अंग शोषण करता है? कौन सा अंग करता है शोषण? तो फ्रेंड्स, यकृत करता है। तो डी होगा राइट आंसर, यकृत, याद रखना। नेक्स्ट है, पेप्सिन है एक, क्या है पेप्सिन? जी हाँ फ्रेंड्स, याद रखना, पेप्सिन है एक एंजाइम। क्या है? एंजाइम है पेप्सिन। ए होगा राइट आंसर, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट है, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? किस पदार्थ में? एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं, एमिनो एसिड में। सी रहेगा राइट आंसर, एमिनो अम्ल। ठीक है, नेक्स्ट है, देखिए, निम्नलिखित में से वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? जी हाँ फ्रेंड्स, कौन है? तो यकृत है, जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है। तो फ्रेंड्स, डी रहेगा राइट आंसर, यकृत। नेक्स्ट है, लव डव ध्वनि किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होती है? किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होती है? तो हृदय की क्रिया के कारण उत्पन्न होती है लव डव ध्वनि। तो सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, शरीर की विशालतम धमनी कौन सी है? इनमें से कौन है? तो फ्रेंड्स, एआरटा है, शरीर की विशालतम धमनी। तो बी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? तो शरीर के वजन का 7% होती है।
तो सी रहेगा राइट आंसर, वजन के, शरीर के वजन का 7%। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक वयस्क मनुष्य में औसतन रक्त कितना होता है? कितना होता है फ्रेंड्स? 5 to 6 liter होता है एक वयस्क मनुष्य में औसतन रक्त। तो सी रहेगा राइट आंसर, 5 to 6 liter। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, रुधिर दबाव मापक यंत्र कौन सा है? रुधिर दबाव मापक यंत्र कौन सा है? तो फ्रेंड्स सफिग्मो मैनोमीटर है। कौन है? सफिग्मो मैनोमीटर है। सी होगा राइट आंसर, सफिग्मो मैनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, रक्त समूह के खोजकर्ता कौन है? जी हाँ, ब्लड ग्रुप्स के खोजकर्ता कौन है? तो ये है लैंडस्टीनर। तो ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, आरएच फैक्टर का पता किसने लगाया था? किसने लगाया था आरएच फैक्टर का पता? तो फ्रेंड्स लैंडस्टीनर तथा वीनर ने लगाया था। तो डी रहेगा राइट आंसर, लैंडस्टीनर तथा वीनर। डी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, एंटीजन एक ऐसा पदार्थ है जो क्या करता है? एंटीबॉडी के निर्माण को बढ़ावा देता है। जी हाँ, एंटीजन एक ऐसा पदार्थ है जो एंटीबॉडी के निर्माण को बढ़ावा देता है। सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? तो फ्रेंड्स संक्रमण के विरुद्ध होता है एंटीबॉडी का मुख्य कार्य। तो डी होगा राइट आंसर, संक्रमण के। ठीक है, नेक्स्ट है, आरएच फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स बंदर से संबंधित है आरएच फैक्टर का नाम, यानी बी रहेगा राइट आंसर, बंदर से। नेक्स्ट है, संतानों की भ्रूणीय अवस्था में माता के गर्भाशय के अंदर ही रक्त का थक्का बनने से मृत्यु हो जाती है। इस रोग को एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस कहा जाता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है पिता का आरएच प्लस तथा माता का आरएच माइनस होना। ठीक है, डी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, देखिएगा, विश्व के प्रथम परखनली शिशु का नाम क्या था? तो फ्रेंड्स लुइस नाम था विश्व के प्रथम परखनली शिशु का नाम। सी होगा राइट आंसर, लुइस। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो तंत्रिका कोशिका है मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका। तो सी होगा राइट आंसर, तंत्रिका कोशिका। नेक्स्ट है, स्तनधारी इसमें यूरिया बनाते हैं। किसमें बनाते हैं स्तनधारी यूरिया? तो फ्रेंड्स यकृत में बनाते हैं। किसमें? यकृत में बनाते हैं, लीवर में बनाते हैं। ए होगा राइट आंसर, यकृत। ए रहेगा फ्रेंड्स राइट आंसर। नेक्स्ट है, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? किसके कारण होता है मूत्र का पीला रंग? तो ये होता है यूरोक्रोम के कारण। तो फ्रेंड्स डी होगा राइट आंसर, यूरोक्रोम। नेक्स्ट है, हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो ये होती है 4%। ए होगा राइट आंसर, 4%। नेक्स्ट है, एमनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है, क्या बताता है? भ्रूण के लिंग को बताता है। ए रहेगा राइट आंसर, भ्रूण के लिंग को याद रखना। ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, किस शारीरिक प्रक्रम से प्रोथ्रोम्बिन का संबंध है? तो फ्रेंड्स रक्त जमाव से है। किससे? रक्त जमाव से है, याद रखना, प्रोथ्रोम्बिन का संबंध। बी होगा राइट आंसर, रक्त जमाव। बी रहेगा फ्रेंड्स राइट आंसर। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन को जलाने पर क्या बनेगा? अगर आपने अभी तक फ्रेंड्स वीडियो को लाइक नहीं किया है, सभी लोग फटाफट वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें। हाइड्रोजन को जलाने पर क्या बनेगा? तो फ्रेंड्स पानी बनेगा। क्या बनेगा? पानी बनेगा हाइड्रोजन को जलाने पर। तो डी रहेगा राइट आंसर, पानी। नेक्स्ट है, एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है, तो क्या होता है? यह पारे की सतह पर तैरेगी। क्या होगा? पारे की सतह पर तैरेगी। तो बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचा क्यों उछल सकता है? क्यों उछल सकता है? क्योंकि चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होता है। सी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? किस सिद्धांत पर कार्य करता है रॉकेट? न्यूटन के तृतीय नियम पर, तीसरे नियम पर कार्य करता है। ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, देखिएगा,
अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के गिरने की आशंका का कारण क्या है? क्या है? रेस्ट ऑफ इनर्शिया, विश्राम जड़ता है गिरने की आशंका का कारण। सी रहे करेक्ट आंसर, विश्राम जड़ता। नेक्स्ट है, न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं, क्या कहते हैं? जी हाँ फ्रेंड्स, जड़त्व का नियम कहते हैं न्यूटन के पहले नियम को। तो बी रहेगा राइट आंसर, जड़त्व का नियम। नेक्स्ट है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या है? क्या है? न्यूटन पर वर्ग मीटर है, न्यूटन पर वर्ग मीटर है यंग प्रत्यास्थता का गुणांक का एसआई मात्रक, तो सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, प्रत्येक क्रिया के बराबर वह विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह है क्या है? न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम है, सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? किसके कारण संभव है? तो तृतीय नियम के कारण संभव है, तो सी रहेगा राइट आंसर, तृतीय नियम। नेक्स्ट है, किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? कौन सा नियम लागू होता है? गति का पहला नियम लागू होता है जी, यानी ए रहेगा राइट आंसर, गति का पहला नियम। नेक्स्ट है, तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? बहुत बार एग्जाम में आता है, क्योंकि समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी से ज्यादा होता है, सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? किस तापमान पर होता है जल का घनत्व अधिकतम? तो ये होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर, डी रहेगा राइट आंसर, 4 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है, लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती है? किस कारण तैरती है? तो ये तैरती है पृष्ठ तनाव के कारण, बी रहेगा राइट आंसर, पृष्ठ तनाव के कारण बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव चालित ब्रेक किसके नियम पर कार्य करता है? किसके नियम पर कार्य करता है? पास्कल के नियम पर कार्य करता है, ए रहेगा राइट आंसर, पास्कल का नियम। नेक्स्ट है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है क्योंकि यहां परमाणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम है, तो डी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, देखिए, दूध से क्रीम निकालने पर क्या होता है? दूध से क्रीम निकालने पर क्या होता है? तो दूध का घनत्व बढ़ता है, क्या होता है? दूध का घनत्व बढ़ता है, तो ए रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, देखिए, गैस से भरे गुब्बारे पर नाखून की तुलना में सुई से फटना आसान क्यों होता है? क्यों होता है? क्योंकि सुई गुब्बारे पर नाखून की तुलना में अधिक दाब डालती है, तो डी हो जाएगा फ्रेंड्स राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथोलॉजी कहते हैं जी, क्या कहते हैं? एंथोलॉजी कहते हैं फूलों के अध्ययन को, बी होगा जी राइट आंसर। नेक्स्ट है, लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है? लंबाई की न्यूनतम इकाई है फर्मी, तो डी होगा फ्रेंड्स राइट आंसर, फर्मी है लंबाई की न्यूनतम इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, देखिए, प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किस एक का रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया गया था? किसका किया गया था? मस्टर्ड गैस का किया गया था, तो सी रहेगा राइट आंसर, मस्टर्ड गैस, सी रहेगा फ्रेंड्स राइट आंसर। नेक्स्ट है, देखिएगा, एनोसमिया कहते हैं, किसको कहते हैं एनोसमिया? तो ब्रांड संवेदना की कमी को कहा जाता है, लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल को कहा जाता है एनोसमिया, बी रहेगा जी फ्रेंड्स राइट आंसर। नेक्स्ट दिया है, देखिए, कार्बोरेटर का उपयोग होता है, किस लिए होता है? पेट्रोल के साथ हवा को मिश्रित करना होता है, पेट्रोल के साथ हवा को मिश्रित करने में होता है कार्बोरेटर का उपयोग, बी रहेगा इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स राइट आंसर। नेक्स्ट है, एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? किससे मापी जाती है? स्ट्रेबोस्कोप से मापी जाती है, डी होगा राइट आंसर, स्ट्रेबोस्कोप से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पानी में घुली हुई कौन सी गैस उसे क्षारीय बनाती है? कौन सी गैस बनाती है? अमोनिया गैस बनाती है, याद रखना, क्षारीय, ठीक है ना, पानी में घुली हुई अमोनिया गैस उसे क्षारीय बनाती है, सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए,
कपड़े से जंग के धब्बे हटाने के लिए निम्नलिखित में से किसको प्रयुक्त किया जाता है, किसको किया जाता है प्रयुक्त? तो फ्रेंड्स ऑक्सैलिक अम्ल को प्रयुक्त किया जाता है, तो डी रहेगा राइट आंसर, ऑक्सैलिक अम्ल डी रहेगा फ्रेंड्स राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग अग्निरोधक कपड़ा बनाने में किया जाता है, किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स एल्यूमिनियम सल्फेट का किया जाता है, तो डी होगा राइट आंसर, एल्यूमिनियम सल्फेट डी रहेगा फ्रेंड्स राइट आंसर। नेक्स्ट है, रक्तस्राव को रोकने के लिए आमतौर पर किस एल्यूमिनियम लवण का उपयोग किया जाता है, किसका किया जाता है? पोटाश एलम का उपयोग किया जाता है रक्तस्राव को रोकने के लिए आमतौर पर, यानी ऑप्शन डी रहेगा राइट आंसर, पोटाश एलम। नेक्स्ट है, गैलेना का रासायनिक नाम क्या है, गैलेना का रासायनिक नाम है लेड सल्फाइड, क्या है? लेड सल्फाइड सी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोबाइल फोन बैटरी में निम्नलिखित में से कौन सी एक धातु मुख्यतः उपयोग में लाई जाती है, कौन सी धातु लाई जाती है फ्रेंड्स मुख्यतः उपयोग में? तो लिथियम उपयोग में लाई जाती है, तो डी रहेगा राइट आंसर, लिथियम। नेक्स्ट है, वर्ष 1945 में नागासाकी में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोट प्रयुक्त किया गया था, कौन सा किया गया था? प्लूटोनियम किया गया था, जी हाँ फ्रेंड्स सी रहेगा राइट आंसर, प्लूटोनियम। नेक्स्ट है, फ्लैश लैंप और लेसर में किस गैस का उपयोग होता है, तो फ्रेंड्स जिनोन गैस का उपयोग होता है फ्लैश लैंप और लेसर में, तो सी रहेगा राइट आंसर, जिनोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारों से आती रोशनी से उनके किसका पता लगता है, किसका पता लगता है? तापमान का पता लगता है, तो डी होगा राइट आंसर, तापमान। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, टेबल साल्ट का रासायनिक नाम क्या है, तो फ्रेंड्स टेबल साल्ट का रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड, क्या है? सोडियम क्लोराइड है टेबल साल्ट का रासायनिक नाम, तो बी होगा राइट आंसर, सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट है, बर्फ पर चलना मुश्किल है, बर्फ पर चलना मुश्किल है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है घर्षण की अनुपस्थिति, यानी ए रहेगा राइट आंसर, क्या कारण है? घर्षण की अनुपस्थिति, ए रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए किडनी का मुख्य कार्य क्या है, किडनी का मुख्य कार्य क्या है? तो शरीर से अशुद्ध पदार्थ को बाहर निकालना है किडनी का मुख्य कार्य, तो सी रहेगा फ्रेंड्स राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्या है, निम्नलिखित में से सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? अगर आपने अभी तक फ्रेंड्स वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सभी लोग फटाफट वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें। निम्नलिखित में से सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? तो फ्रेंड्स फ्रक्टोज है, सी होगा राइट आंसर, फ्रक्टोज। नेक्स्ट है, हवाओं की ऊर्जा होती है, कैसी ऊर्जा होती है हवाओं की? केवल गतिज ऊर्जा होती है फ्रेंड्स, बी रहेगा राइट आंसर, केवल गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट है, बोलोमीटर मापन की युक्ति है, किसके मापन की युक्ति है बोलोमीटर? तो फ्रेंड्स उसमें विकिरण के मापन की युक्ति है, सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, जब प्रकाश की लाल हरे व लाल हरा व नीला रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो फ्रेंड्स परिणामी रंग होगा कैसा होगा? सफेद होगा, कैसा? सफेद होगा, तो बी होगा फ्रेंड्स राइट आंसर। नेक्स्ट है, टेलीस्कोप क्या है, टेलीस्कोप क्या है? तो फ्रेंड्स याद रखना, टेलीस्कोप से दूर की वस्तु देखी जाती है, यानी ए रहेगा राइट आंसर, दूर की वस्तु देखी जाती है, ठीक है, टेलीस्कोप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायलिसिस मशीन का आविष्कार किसने किया था, डायलिसिस मशीन का आविष्कार किया था किसने? कोल्फ ने किया था, तो फ्रेंड्स बी रहेगा राइट आंसर, कोल्फ। नेक्स्ट है, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है, कब मनाते हैं? तो 25 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व मलेरिया दिवस, ए रहेगा राइट आंसर, 25 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप गतिकी का प्रथम नियम सामान्यता किससे संबंध मामला है, किससे संबंध मामला है? ऊर्जा के संरक्षण नियम से, जी फ्रेंड्स बी रहेगा राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट है, ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है, कितने समय तक रहता है? तो फ्रेंड्स 1/10 सेकंड तक रहता है ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में, तो बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, अस्थि में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, हड्डियों में कौन सा
प्रोटीन होता है, ओसिन प्रोटीन होता है जी, सी रहेगा राइट आंसर, ओसिन प्रोटीन। नेक्स्ट है, शुगर बेबी किसकी प्रजाति है, शुगर बेबी किसकी प्रजाति है, तरबूज की प्रजाति है, तो फ्रेंड्स बी रहेगा राइट आंसर, तरबूज की। नेक्स्ट है, चर्म रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो विटामिन बी सिक्स की कमी के कारण होता है चर्म रोग, यानी फ्रेंड्स ए रहेगा राइट आंसर, विटामिन बी सिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कृत्रिम गर्भाधान के लिए सांड के वीर्य को किसमें सुरक्षित रखते हैं, किसमें रखते हैं, द्रव नाइट्रोजन में सुरक्षित रखते हैं कृत्रिम गर्भाधान के लिए सांड के वीर्य को, तो डी रहेगा राइट आंसर, द्रव नाइट्रोजन में, याद रखना ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यकृत में बहुविषय के लिए कौन सा विटामिन भंडारित होता है, कौन सा विटामिन होता है भंडारित, तो फ्रेंड्स विटामिन ए भंडारित होता है, यानी सी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, विटामिन सी। तो फ्रेंड्स ये थे आज के हमारे क्वेश्चन जो अभी कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, इसलिए फटाफट वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें, जो लोग पहली बार यहां आए हैं जल्दी से आप लोग फटाफट चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक करें और अपने एग्जाम की तैयारी को अच्छे से आगे बढ़ाएं। चलिएगा फ्रेंड्स आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।